यह एक फाइनली बोल रही खुली प्रतिस्पर्धा के तहत होना चाहिए। इसके लिए भारतीय किसान संघ ने बहुत शुरू से ही क्या करना त्रिस्तरीय कृषि व्यापार की पद्धति होनी चाहिए इस बात को रखा। वो त्रिस्तरीय व्यापार पद्धति में सरकार की खरीद, निजी व्यापारियों की खरीद और कृषि उपज मंडी के माध्यम से एक नियंत्रित व्यापार की पद्धति होनी चाहिए। ये किसान संघ बहुत शुरू से रहा है। उस दृष्टि से देखते हैं तो ये तीनों कानून जो है हमारी जो ये बहुत पुरानी इस प्रकार की मांग थी उस दृष्टि से एक कदम है। किंतु इन तीनों भी कानूनों में कुछ बातों को जोड़ने की आवश्यकता है। जब तक वो बातें जोड़ी नहीं जाती है तब तक उसकी सार्थकता नहीं बनेगी। किसानों की दृष्टि से उसका कोई मतलब नहीं निकल सकता है। तो किसान संघ ने जो शुरू से मांग की हुई है उसमें सबसे पहला मुद्दा तो हमारा ये है कि समर्थन मूल्य का ये किसान को लाभ होना चाहिए। और समर्थन मूल्य पर किसान को लाभ तभी हो सकता है कि जब केवल सरकार की खरीद नहीं बल्कि उसकी एक कानूनी व्यवस्था बन जाए। आज भी कुछ प्रांतों में, राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र में, वहाँ APMC में ये नियम है कि समर्थन मूल्य से नीचे कोई भी बोली नहीं लगेगी। मगर उसको कोई कानूनी आधार न होने के कारण उसका पालन वहाँ नहीं हुआ। तो ये कानूनन प्रावधान होना चाहिए। सरकार जो कह रही है कि भाई हम MSP पर खरीदेंगे तो हम उसको मानते हैं, किंतु सरकारी खरीद जो है वो केवल 6% तक किसानों तक पहुंचती है। इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। और उसमें भी 90% जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं उनसे खरीद। हमारा छत्तीसगढ़ का किसान भाई है, उड़ीसा का है, मध्य प्रदेश में तो लगातार 4-5 साल से जो प्रयास चल रहा है उसके कारण खरीद बढ़ी है। केंद्र सरकार की भी खरीद बढ़ी है। मगर इससे पूरे देश के सभी किसानों को न्याय नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए इस व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा है कि इसमें जो व्यापारियों को काम करते हैं इसलिए आप लोगों को भी मालूम है। तो हमने एक सीधी सी बात कही है उसमें, इसमें लाइसेंसिंग की बात हम भी नहीं करते, मगर इसमें कहीं ना कहीं तो भी पंजीयन होना चाहिए। आज केवल सरकार ने पैन कार्ड के आधार पर खरीदने की बात कर दी है, तो हम ये कहते हैं कि केवल पैन कार्ड से बात नहीं चलेगी। आप उसका किसी केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर उसका किसी माध्यम से पंजीयन हो जाए, उसकी बैंक सिक्योरिटी हो, ताकि हमको उसका पता चले कि सही व्यापारी है या कौन है। और कुछ अगर गड़बड़ हो जाती है, धोखा हो जाता है, तो वो पकड़ में आ जाए। तीसरा विषय हमारा है कि इस संबंधित जितने भी खेती संबंधित विवाद होंगे ऐसे सभी विवादों का निपटारा करने के लिए एक स्वतंत्र व्यवस्था देनी चाहिए। सरकार ने कानून के माध्यम से वही घिसी पीटी पुरानी व्यवस्था को दिया है SDM के माध्यम से करने की। हम सब लोग जानते हैं कि SDM की व्यवस्था कितनी मजबूत रहती है और किस प्रकार से चलती है। इसीलिए किसान संघ का कहना ये है कि इसके लिए एक कृषि न्यायालय की व्यवस्था होनी चाहिए और यह कृषि न्यायालय जिला के स्तर पर होना चाहिए ताकि किसान अपने गृह जिले में उसका निपटारा कर सके। इस दिशा से सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए। भले ही राज्य सरकारों को भी बढ़ाने की बात हो सकती है, ये जो दो व्यापारियों व्यापार के संबंधित जो कानून है उसमें ये तीन बातें का है। हमारी जो चौथी प्रमुख मांग है वो इस प्रकार से है कि सरकार ने जीवनावश्यक कानून वस्तु अधिनियम में परिवर्तन किया है, संशोधन किया है। और जवान
किसानों की ये मांग थी, किसान संघ इस मुद्दे को उठा रहा था कि इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए, मगर सरकार ने जो संशोधन कर दिया वो दूसरी छोर पर चला गया। इसमें से सब वस्तुओं के ऊपर की पाबंदी को हटा दिए, मगर कुछ विशेष परिस्थिति में इस जीवनावश्यक कानून के प्रावधान लागू होंगे करके बात हुई, जैसे अकाल हो जाता है, बाढ़ आती है, युद्ध की स्थिति आती है, या फिर बाजार में जो नाशवंत वस्तुएं पेरिशेबल आइटम उनमें अगर 100% बढ़ जाती है, या अनाज दालों में अगर 50% बढ़ जाती है, तो उसके लिए वो कानून लागू होगा। मगर इसमें से एक बात को ध्यान में रखना चाहिए, हम सब लोगों को गौर करना चाहिए कि इसमें से उन बड़े उद्योगों को छूट मिली हुई है कि जो निर्यात करते हैं, जो प्रक्रिया करते हैं, उनको उनके इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तक इसको लागू नहीं होगा करके छूट दी है। ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। अब बड़ा उद्योग की आकर उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी होगी इसका तो कोई हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ऐसे में इस कानून का दुरुपयोग होकर जमाखोरी हो सकती है, इसमें से आम उपभोक्ता को नुकसान हो सकता है। तो किसान संघ की मांग इसमें है कि इस कानून को जो इस प्रकार से बनाया है उसमें जो खुली छूट दी है, ये खुली छूट नहीं देनी चाहिए, वो आम उपभोक्ताओं के ध्यान को रखना पड़ता है। अभी दिल्ली में जो चल रहा है ये आंदोलन की बात है, उस आंदोलन के समय में आपका प्रश्न आएगा ही कि 8 दिसंबर के भारत बंद में भारतीय किसान संघ क्यों नहीं था। वैसे तो हम जुलाई अगस्त से ही लगे हुए हैं, हमने देश भर के 20,000 गाँव में से हमने ईमेल प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को भेजे हैं। हम अपने स्तर पर अपनी रणनीति के आधार पर हम अपना मूवमेंट चला रहे हैं। ये जो भारत बंद का आंदोलन हुआ है वो भारत बंद का आंदोलन हमको ये देखने को मिल रहा था शुरू से ही कि इसमें किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की बात हो रही है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, शरद पवार जी जब ये बिल आया तो इसका इन्होंने विरोध किया, मगर शरद पवार जी ने अपने आत्मकथन में ही लिखा है कि कृषि उपज मंडी में किसानों को 18-22% तक का खर्च वहन करना पड़ता है, उसकी मजबूरी बन जाती है, तो इस मजबूरी से उसको कहीं ना कहीं हमको राहत देने की आवश्यकता है। और इसीलिए एपीएमसी की जो बात है इसके साथ में दूसरी व्यवस्था भी खड़ी करनी चाहिए, इसमें लिख कर रखा है। तो इसमें राजनीति ज्यादा हो रही है। और एक उदाहरण दूंगा, जहाँ पंजाब और राजस्थान की सरकारों की बात आ रही है शुरू के समय में, उन्होंने अपने स्तर पर कानून पारित किए, पंजाब सरकार ने इन कानूनों को निरस्त करने के दृष्टि से कानून पारित किया, और उस कानून में उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ जो भी खरीद होगी समर्थन मूल्य पर होगी, मगर वो केवल 2 जिन्सों के लिए होगी, केवल गेहूँ और धान के लिए होगी। क्या पंजाब केवल गेहूँ और धान पैदा करता है क्या? आज पंजाब की कृषि की हालत केवल धान और गेहूँ पैदा करने के कारण बिगड़ गई, हम सब लोग जानते हैं। वहाँ का किसान कर्ज के बोझ के तले दबते जा रहा है, तो बाकी चीजों के लिए क्यों नहीं खरीद कर रहे भाई आप? अगर राज्य सरकार ये कर सकती है तो करना चाहिए था। तो ये केवल शुद्ध राजनीति की बात है, और हमारी गहलोत सरकार तो उससे भी आगे निकल गई। उन्होंने ये किया, इस प्रकार का जब कानून लाया तो उसमें समर्थन मूल्य की गारंटी उन्होंने केवल अनुबंध खेती में की। कितने किसान अनुबंध खेती करेंगे? और जो किसान अनुबंध खेती करेगा वो क्या अनाज की खेती करेगा, बाजरे की खेती करेगा, गेहूँ की खेती करेगा? वो तो हाई वैल्यू प्रोड्यूशन की टूरिस्ट की खेती करेगा। यानी ये केवल किसानों के आँख में धूल झोंकने का काम
इन लोगों ने भी, तो इसलिए हम सब लोग सबसे पहले से ही जानते थे तरह से जाने वाला आदमी रहा है, इसीलिए हम लोग इसमें सम्मिलित नहीं होते हुए वेट एंड वॉच करते हुए हमारी मांग को लगातार आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार तक और सरकार से भी बात करते हुए पहुंचा रहे हैं। और 8 दिसंबर के बारे में हम सब लोग जानते ही हैं, उसका पत्रक भी किसान संघ का निकला हुआ है, हम लोगों ने भी उसके खूब अच्छे प्रकार से हम सब लोगों का समर्थन दिया है। तो इन सब मुद्दों को लेकर भारतीय किसान संघ का इस आंदोलन से ये भूमिका। अब एक एक मिनट और मेरा मैं पूरा करता हूँ फिर हम, अभी ये मुद्दा जो है कोर्ट में चला गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी सुनवाई चल रही है। एक अच्छी बात हो गई कि सरकार के साथ में वार्ता करते हुए उस वार्ता को असफल करवाने का ही प्रयास सब लोगों का चल रहा था, तो ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए लोग और उसमें से जो बात आ रही है, कल सुप्रीम कोर्ट ने परसों के दिन जो अपनी एक गाइडलाइन कहो अभी उसकी ऑर्डर आनी है और जो सुझाव दिया है उस सुझाव का भारतीय किसान संघ स्वागत करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई एक निष्पक्ष इस प्रकार की समिति इसकी बनाई जाए और उस समिति के सामने इन सब मुद्दों की चर्चा होकर उसमें से उसको रास्ता निकाला जाए। ये जो सुझाव दिया है ये सुझाव का भारतीय किसान संघ स्वागत करता है और सरकार से हो या माननीय उच्चतम न्यायालय से निवेदन करते हैं कि ये जो कमेटी बनेगी, तो भारतीय किसान संघ लगातार 6 महीने से इस आंदोलन को कर रहा है, अपनी बात रख रहा है, तो भारतीय किसान संघ जैसा पूरे देश भर में संगठन है, ऐसे संगठन है, उसी प्रकार से केवल पंजाब हरियाणा के नहीं तो देश भर के भी ऐसे जो मान्यता प्राप्त संगठन हैं इनको भी इसमें सम्मिलित करते हुए उन सबके साथ में विचार विनिमय करते हुए राज करना चाहिए। किसान संघ का ये निश्चित मत है कि इस कानून को रद्द करने से बात नहीं बन सकती है, इसमें सुधार करने से ही किसानों को लाभ होगा, और जब तक सुधार नहीं होता है तब तक इसका जो परिणामकारक इस प्रकार का लाभ किसानों को होना चाहिए वो भी नहीं होगा, ये भी किसान संघ का सुनिश्चित। वही सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है, मगर सामने वाले बैठे वाले लोग जो है वो हाँ ना में ही बात कर रहे हैं। देखिए कोई भी वार्ता जब होती है तो वो हाँ ना में नहीं हो सकती, उसमें से कुछ गिव होता है कुछ टेक होता है, दोनों भी आदान प्रदान की बात चलती है। सरकार हमने जो मुद्दे उठाए थे उसके ऊपर आ रही है, जैसे पैन कार्ड का मुद्दा हमने उठाया था व्यापारियों का, सरकार अब मानने लगी है कि ठीक है इसका पंजीयन करने की दिशा से आगे बढ़े। हमने जो कृषि न्यायालय का मुद्दा उठाया था सरकार उसके ऊपर आ रही है, सरकार कह रही है सिविल कोर्ट में जाने के लिए आप अनुमति दे सकते हैं, कुछ राज्य सरकारें भी इस दृष्टि से पहल कर रही है। अभी हरियाणा की राज्य सरकार इस प्रकार का कृषि विषय कानून लेके आ रही है और महाराष्ट्र की सरकार का उसका ड्राफ्ट भी बन गया है जिसके ऊपर हम लोग भी उनको मदद कर रहे हैं, तो ये बातें होती जा रही है, तो कुछ बातों में इस प्रकार से आगे बढ़ेगी, मगर जो हाँ ना में बात करेंगे तो नहीं। पर आज भी जो पेच फंसा हुआ है सही में वो MSP के ऊपर फंसा हुआ है। सरकार में भी अभी आज कुछ लोग इस प्रकार से मानसिकता के बनते जा रहे हैं, हमको जो इनपुट मिल रहे हैं कि MSP पर किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। अभी आप लोगों के माध्यम से एक खबर हम तक पहुंची थी कि देश भर के 30 APMC का सर्वे उन्होंने किया था और उस 30 APMC का सर्वे करने एग्रीनेट जो है, एग्रीनेट करके जो कृषि मार्गार का एक नेट चलता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उनकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि इस केवल अक्टूबर नवंबर के 2 महीने में किसान को 1900 करोड़ रुपए का डिस्ट्रेस सेल करना पड़ा, यानी 1900 करोड़ रुपए का किसान उनका लॉस हुआ। तो ये स्थिति अभी भी बनी हुई है, तो इसमें से रास्ता निकाल। आपको नहीं लगता कि ये जब विधेयक बनाए गए थे तो आपके विचार परिवार की सरकार है, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक जितने मंत्री हैं सभी आपके विचार परिवार के हैं, जब भी कोई डिसीजन सरकारों में होता है तो जो आपके प्रकल्प हैं जितने भी आयाम संगठन में चर्चा की जाती है, सर ये विधेयक तैयार किए गए थे, राइट कर रहा यार, सुझाव दिए गए थे। हम तो बता के खड़े हो जाए, एक मैं बात पहले कर देता हूं, सरकार सरकार कल्याण चाहे किसी की भी हो कौन सी भी,
हाँ थोड़ा बहुत हमारा संपर्क संबंध है मित्र होने के नाते, इतनी बात है। मैं पहले ही बताया था कि अध्यादेश जब आए तो उसका अध्ययन करके हमने सुझाव दिए थे, और सरकार अगर उसको मान लेती उस समय वो सुझाव कर लेती तो ये नौबत ही नहीं आती। सवाल ये है कि अध्यादेश आने से पहले क्या सुझाव लिया गया या नहीं लिया गया? नहीं, अध्यादेश के बाद में दिया, पहले नहीं दिया गया, पहले अध्यादेश आने के बाद में जी। आप लोगों से पहले अडानी और अंबानी के कानून के बारे में बता दिया गया? वो तो आप लोगों के पास जानकारी होगी, हमारे पास तो ऐसी जानकारी। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं तो आपका उनका उन आंदोलन का पूरा समर्थन करते हैं या उन्हें खारिज करते हैं? सवाल ये है। हम लोग ना देखिए, कोई भी बात जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती, जो बात आती है तो उसको समझ कर अपने हित की, किसान हित की बात क्या है वो हम उसमें रख रहे हैं। तो मैंने शुरू में ही कह दिया कि कानूनों को ब्लैंकेट रूप से विरोध करना ये कोई ठीक बात नहीं है। मैंने शुरू में ये भी स्पष्ट कर दिया कि किसान संघ खुले बाजार के पक्ष में है, थ्री टायर सिस्टम हम चाह रहे हैं, मगर आज की स्थिति में जो कानून बना है उसमें हमने जो सुधार दिए हैं वो सुधार होते हैं तो उसका सार्थक परिणाम निकल कर आए। ये कहा जा रहा है आपकी मुख्यमंत्री कहते हैं कि दिल्ली में जो प्रदर्शन कर रहे हैं देशद्रोही, देश के खिलाफ देशद्रोही कार्य, तो आपको लगता है कि देशद्रोही है कानून? ये तो उनका जो कुछ बात होगी तो उनसे बात करना लगता है। हमको ये लग रहा है मगर कि ये किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चलने वाला आंदोलन कर गया है। अब इसमें जो रिपोर्टें आ रही है, जो बातें आपके माध्यम से हम तक पहुंच रही है कि कहीं खालिस्तान का नारा लग रहा है, कोई कोई संगठन जो है वो दिल्ली दंगों के मुक्त करने की बात कर रहे हैं, तो ये सब आपके माध्यम से हम तक पहुँच रहा है। तो अगर इसको समझता है तो सब समाज समझ रहा है कि क्या हो रहा है। मगर हमारा कहना तो ये है कि हम शुरू से ही कह रहे हैं, जब अध्यादेश आए बाद में बिल बना तो मैंने शरद पवार जी का उदाहरण आपके सामने रख दिया कि किस प्रकार से कर रहे हैं, गहलोत सरकार का उदाहरण रखा, अमरिंदर सरकार का उदाहरण रखा, तो ये तो किसानों के इन मुद्दों की राजनीति करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा। सरकार से आपकी बात हुई है? सरकार से हमारी अध्यादेश आने के बाद, कानून बनने के बाद में एक बार बात हुई है, अब ये बात अभी चल भी रही। अब आप भी आंदोलन करेंगे क्या? आप लोग कर सकते हैं कि नहीं? अभी हम तो, अभी क्या हुआ है कि अभी बॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में चला गया है, तो अभी मुझे तो लगता है कि हमारे जो किसान भाई भी अब इस बात को समझ ले, और जो सरकार सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जो समिति बनी उस समिति पर विश्वास करते हुए हमको उसका रास्ता दिखा रहा है। एमएसपी की बात कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो दो अंतर है उसमें। हम सरकार तो शुरू से कह रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी पहले दिन से कह रहे हैं कि हम एमएसपी की व्यवस्था खत्म नहीं करेंगे, हम भी मान रहे हैं, मगर हमारा कहना उससे थोड़ा आगे का है। नहीं, सरकार, मैं सरकार का पक्ष आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, और जो हमारी वार्ता हुई उसमें से उनका कहना ये था कि ये जो हमने बनाया है एपीएमसी को लेकर नहीं है कानून, और इसमें हम इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो हमने उनको सुझाव दिया कि आप अलग से कानून लेकर आओ। हम कह रहे हैं कि सरकारी के वो एक अकेला बोझ ढोए एमएसपी का, हम तो सरकार को ये कह रहे हैं कि आपके कंधों पर ही सब बोझ क्यों आए एमएसपी का, वो सब लोगों को कर दो, कि कोई भी मंडी होती है, कोई भी बाजार होता है, कहीं भी चलती है, तो एपीएमसी के नीचे बोली नहीं लगेगी, ये कर दो। कानून में यही है कि प्राइवेट मंडियां में, क्या किसान संघ प्राइवेट मंडियां खोलने का समर्थन करता है या खारिज करता है? नहीं, अभी देखिए कि इसमें जो प्राइवेट खुला बाजार होने का मतलब ही हो गया, और अभी देखिए कि महाराष्ट्र में ये व्यवस्था चल रही है, महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 63 प्राइवेट मार्केट कमेटी चल रही है, उसमें से 5 केवल अच्छे प्रकार का काम कर रही है, और जो सरकार के कानून से बनी हुई वो तो चली रही है, वहाँ कंपटीशन हो रही है तो वो ठीक चल रहा है, पर वहाँ भी एमएसपी का लाभ नहीं मिल रहा है किसान, भले ही बाहर हो अंदर, तो हमारा कहना है कि वो एमएसपी का लाभ सब जगह पर किसान को मिल रहा है, चाहे सरकार खरीद करे, चाहे एपीएमसी में हो, चाहे वे प्राइवेट हो, ये अगर हो जाता है तो सबके लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी। बाइक कनेक्ट छोटा हो सकती है।